भाई यशमा, ये जो आदि भाई है, इन्होंने ही जो है आपके लिए कुछ सवाल बनाए और मुझे उन्होंने दिए सवाल कि भाई जाओ यशमा से कर लें सवाल। जी जी जी। तो मैं कर लूँ यार, 5,000 वापस दे दो, बुरी बात है, किसको लोग समझेंगे आपने एक्चुअली रख लिए थे। अरे उसमें ये भी मुबारक लिखा हुआ है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं रमजान मुबारक। ठीक है सही, चले भाई। सो यशमा पहले है येस और नो, हाँ या ना। ठीक है जी, ओके। कुछ लोग मुझे बेवफा कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको लगता है तो फिर लगता होगा। मैं इसमें यस और नो क्या भाई, यार आपके ख्याल में ठीक कहते हैं। नहीं, मैं बेवफाओं की हमसे तवक्को नहीं, मगर एक बार आजमा कर तो देखा। अरे कलम तोड़ दिया भाई शुरू में, खुद ही कह दिया आजमा के देखो। आजमाओ तो पहले, फिर डिसीजन लेना ना। बात तो सही, ये बड़ा चैलेंज दे दिया आपने कि आजमा लो, आपको यकीन है आजमाइश में पूरी उतर जाएंगे। और कुछ है नहीं है, वफा जरूर है। जिसको चैलेंज दिया उस तक पहुंच गया चैलेंज। हाँ हाँ, यकीन है आपको? हाँ भाई, कड़ा दो गुंबर रहे, आजमा तो। हाँ हाँ, चलो देखते हैं क्या फैसला करता है वो, बताते हैं आपको। चले भाई, हाँ या ना, बात कुछ होती नहीं है, लोग ऐसे ही मेरी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना देते हैं। I don't think I have any controversies. कभी अगर कोई 15-20-25-40 साल पहले बनी होगी। हाय अल्लाह, होगी नहीं। आई थिंक देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। ओके सही है। 2024 के इलेक्शन में मैंने भी वोट डाला। नहीं क्यों भाई? वो मेरा गांव में है ना। ओह अच्छा, और आप यहां? ओके ओके, आपका गांव कौन सा? खानेवाल। खानेवाल जाना पड़ेगा भाई। हां वाह, अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छा हां ठीक है, पहला फिर बंदा मिला है खुदा की कसम खानेवाल का। हां वरना आम जिंदगी में जो टकराता ही नहीं कोई खानेवाल का। अच्छा, और मुझे हमेशा से ये पता खानेवाल में सारे लड़के रहते हैं। यार क्या बात कर, कैसी बात लगाई है, क्या अजीब सी बात है। सर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ये आपको कहते हैं तो आप वोट डलवा देंगे ना कराची में? हाँ, आप मसला नहीं है, बल्कि डल चुका होगा आपका। डल चुका होगा, सही इशू नहीं है। ओके, मुझे ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने में ज्यादा मजा आता है। मनफी यानी नेगेटिव रोल्स करने में? हाँ ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वजह? आई थिंक इट हैज मोर मार्जिन। ओके, मैं जरा जल्दी जज्बाती हो जाती हूँ। नहीं नहीं। ओके, सीनियर्स जूनियर्स के साथ ज्यादती करते हैं? नहीं नहीं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे क्या क्या हो गया? मैं मेरा 5,000 रुपए कहाँ चले गए? आपने भी अरे ये तो नहीं है। क्या कर रहे हैं? इसने गलती से इधर गिरा दिया था। सर क्या कर रहे हैं? अच्छा फिर इन्होंने, मुझे लगता है शादी एक डैश है, सुकूनदार चीज है। अच्छा ओके, वाह वाह। चलो फिर अगला सवाल भी शादी के लिए, शादी के लिए डैश जरूरी है? शौहर का होना। शौहर का होना और कारी साहब का जो पढ़ाएंगे निकाह पढ़ाएंगे। निकाह का होना सही है। ठीक है, हमारी फैशन इंडस्ट्री डैश जबकि ड्रामा इंडस्ट्री डैश है? हमारी फैशन इंडस्ट्री लाहौर में है और ड्रामा इंडस्ट्री कराची में। आसिफ अली जरदारी साहब मुझे डैश लगते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब नहीं, मुझे अंदाजा हो गया। फिर भी हमें तो अंदाजा होने दें। हाँ बहुत पुराने लगते हैं। अच्छा, कब से चले ही जा तो मोहनजोदड़ो टाइप बात कर। हालांकि इन्होंने अपनी बारे में मुझसे राय नहीं ली। हाँ तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे डैश लगते हैं। आई थिंक ही स्पीक्स वेरी वेल। ओके, इमरान खान यकीनन डैश हैं। वेरी कैपेबल। ठीक है, और आखिरी सवाल जो सबसे आम है वो ये कि क्योंकि आपने पिछली दफा शेर सुनाया था, लोगों ने अपने 100-100 साल पुराने दीवान जला दिए थे, और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, शायरी तो यहाँ हो रही है, तो आपने सुनाना है मेरा फेवरेट शेर डैश है। तो आप अपना फेवरेट शेर सुनाएगा, फिर आदि भाई सुनाएंगे, सर सुनाएंगे, फिर आवाम फैसला करेगी। तो 12 लाख लोग आ गए। शेर नहीं है मेरे पास। आप वो एक ही था खत्म हो गया। आते थे दो, मैंने बता दिए। देखिए हालात, आजकल के हालात सही है मेरी जिंदगी। अच्छा उस वक्त जरा हालात पे डिपेंड करता है ना, आपके अंदर की आर्टिस्ट हालात पे डिपेंड है, वो फिर तभी निकलती है। हालात पे डिपेंड है, डिपेंड है हालात पे डिपेंड है। तो गम का नहीं, को खुशी का शेर सुना दे कोई। हाँ यार क्या सुनाऊं, कोई बच्चों की नज़म सुना दे कोई। ट्विंकल ट्विंकल, वतन के लिए कोई नगमा सुना दे। ये भी इतना ही याद है। उसने मेरा जब से दिल तोड़ा, अच्छा मैं जिंदगी में हारा। ठीक है, उसने जब से मेरा दिल तोड़ा, हाँ मैं जिंदगी में हारा। हाँ लकड़ी की काठी, काठी में घोड़ा। तो बना ही नहीं है क्या ये? आपका क्या जाता था? आप भी यशमा की तरह खामोशी रह लेते तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं था मैंने कहा। ये अच्छा है कि मैंने वो तू मेरा गम खाता है वाले से जुड़ नहीं किया। मैंने यशमा को टाइम दिया ये करके। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं आता तो नहीं बोलो। देखो हमारी सारी टेलीफोन लाइन जो है वो इस वक्त जैम हो गई है, दुनिया भर के शोरा ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनका शेर पढ़ा जाए इस प्लेटफॉर्म में। हम ब्रेक में उनकी राय सुन लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद के शेर आपको सुनाएंगे ये लोग इंशाल्लाह।
यशमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल नहीं जानती कि हमने क्या सवाल पूछना है अभी उनसे, देखते हैं। आदि भाई आपने जवाब बताया तो नहीं है? नहीं नहीं कभी भी नहीं। ठीक है ठीक है, सही है। चले भाई बढ़ते हैं मासूमाना खेल की दूसरी गेंद की जाने। खैर आप भी चाहें तो मशवरा दे सकते हैं वैसे। ठीक है भाई, आदि भाई ने कुछ सवाल लिखे हैं और आप किसी मशवरा कर सकती हैं ऑडियंस के अलावा। ऑडियंस ने खामोश रहना है, ठीक है? तो बताएं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, अच्छा अरे वो वाला है, सॉरी सॉरी, तो ये वो है। अच्छा एक्चुअली हमने लोगों से सवाल पूछा है और लोगों ने इसके बहुत सारे जवाब दिए। सो जो चार सबसे ज्यादा जवाब आए हैं, क्योंकि लोग ज्यादा थे, 12 लाख तो लोगों से आप सही बोलेंगे उसको आपने। ये लोग कौन से वाले हैं? अब लोगों पे भी तो डिपेंड करता है। बैठे हैं आप, आटे की बोरियां बैठी हुई है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे, तो मैंने कहा ये कौन से टाइप के लोग। देखना है ना कि आप लोगों की नब्ज पे कितना हाथ है आपका। ये आपने सवाल ही गलत लिखा है। क्यों, सवाल में क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई? नहीं सॉरी, मैं आपने लिखा है स्कूल के बच्चों में लड़ाई किस बात पे होती है। हाँ। आप लिखते हैं कि हर लम्हा पुरजोश के सेट पे लड़ाई किस बात पे होती है, क्यों मतलब? आप देखिएगा जब जवाब निकलेंगे ना आपको पता लग जाएगा। अच्छा वो फिट बैठते सारे। अच्छा देखिएगा, ओके ठीक है। सो स्कूल के बच्चों में लड़ाई, आपको अपने स्कूल का जमाना याद है? ज्यादा पुराना तो नहीं होगा ना। आपकी लड़ाई किस बात पर? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गुड बॉय यार, खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार। कल तो आठवीं पास की है उसने। पहले समझ भी नहीं आया बात नहीं, मैंने पूछा उन्होंने कहा मैट्रिक का कर रही है, डिग्री नहीं आई, डिग्री का वेट कर रही है मैट्रिक की अभी ना। तो वैसे यशमा माशाल्लाह लगती ऐसी है 14-15 साल की ना। 14-15 इतना तो वो भी दावा नहीं कर रही भाई। 14-15 की होंगी मेरे ख्याल से आप। 14-15 जमा 29। नहीं नहीं 14-15। क्लोज ओके मेरे हिसाब से बहुत। यार ये सेगमेंट इनकी उम्र के बारे में नहीं, इसके बारे में। नहीं मुझे यशमा बहुत भाई तो वो बहुत प्यारी लगती है। I am a big fan. Okay fine, ठीक है, she's amazing. All right, चलो आ गया, एक शेर आ गया, शेर आ रहा, शेर आ गया, निकालो निकालो निकालो, शेर आ गया, शेर आ गया, निकालो तो भूल ही गए तुम्हारी बात पे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। जल जाना भी मंजूर है, ठीक है, ये इश्क की आग किसी काम तो आए। मेहमान है आप क्या कर रहे हैं? मतलब अच्छा था ये, असल में शेर आया था बाहर वाली। सॉरी, जल जाना भी मंजूर है, जल जल जाना भी मंजूर है, ये इश्क की आग किसी काम तो आए। जल जाना भी मुझे मंजूर है, माचिस होगी तेरे पास। इन्होंने प्रॉपर शेर सुना है आप मतलब? नहीं वैसे ही मैं काफिया मिला रहा था, लेकिन शेर शेर मायूस होकर वापस चला गया हम सवाल में। आज शेर का और लाहौर का दिन ही नहीं है। सो भाई यशमा, हाँ स्कूल के बच्चों में लड़ाई कि तो आपकी किस बात पे आती थी लड़ाई ज्यादातर? मेरी वैसे कभी कोई आसच हो ही नहीं, बट देयर वाज दिस वन टाइम जब एक मेरा क्लास फेलो था, आई थिंक आई वाज इन प्रेप 7 प्रेप नो प्रेप, लाइक बहुत छोटी थी तो वो उसके बाद आपका झगड़ा ही नहीं हुआ कभी? हम दोनों की किस बात पे थी लड़ाई? अच्छा प्रेप में। हां तो वो उसने ही उसने मुझे धक्का दिया था और मैं गिर गई थी, और फिर मेरी मामा मुझे जब स्कूल से पिक करने आई थी तो मैंने उनको बताया था कि मेरे साथ इस तरह हारिस ने किया है। सो मामा मुझे वापस उसके पास लेंगे और बोलती तुम भी धक्का मारो, आएगा कभी कोई कुछ जो करे आंख का बजा। ये चारों सवाल सही है, बनकर बता दी फिर धक्का मारा आपने हारिस को? हां ओके, उसके बाद आपको किसी ने धक्का नहीं मारा 10 साल के बाद? लड़ाई नहीं हुई। आपको पता मैं और सर भी एक ही स्कूल में थे, हमारी किस बात पे लड़ाई हुई थी? हमारी यशमा भी होती थी ना। अच्छा हां यार, मैं आपकी तो यशमा में होती थी, यशमा की किस बात में होती थी ये कैसे पता लगेगा मुझे? यशमा हाँ, वैसे बच्चों की लड़ाई अक्सर इस पे होती है वो। आप भी कभी तो बच्चे होंगे ना? आप भी? मैं बच्चा था वन से मोनट है। हाँ आपने मुझे बताया था, आपने मामा ने तो कहा था, तो आप थे मुझे पता है। तो आपकी किस बात पर लड़ाई होती? मेरी होती थी कि मैं बच्चों का लंच खा जाता था। अच्छा हाँ सर, आप क्या खा जाते थे? मैं वो बच्चा था जिसका ये लंच खाया जाता था। तो सर मेरा बदला इन्हीं से लेते ना मतलब से। अच्छा ठीक है, वैसे ये और क्या हो सकता है यार, ये मैं खत्म करूँ ये सीधा। हालांकि फुफा करने का था इजी रखना ये सुने कल कर लेते निकलू मैं, आज बंद नहीं रहा। मुझे लग रहा है आप ये खत्म नहीं कर रहे, खत्म हो रहा है। अच्छा
तो कम आ रहे हैं लड़कों की बच्चों अच्छा, की कोई भी अच्छा ऑप्शंस खुलेंगे ऑप्शंस नहीं है ऑप्शंस नहीं आप बताएंगे तरतीब तो ठीक तरतीब वाला लतीफा सुना है आपने तरतीब ठीक करें आप बताएंगे फिर ऑप्शंस खुलेंगे स्कूल में बच्चों की आई थिंक इस चीज पे होती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या किसी उस पे गेम्स के टाइम पे डब्बे में क्या लिखूं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा क्या लिखूं मतलब इसमें ग्रुपिंग ग्रुपिंग गले पड़ गए डब्बा मेरे यार वो कह रही है ग्रुप बनाने पे ग्रुप बनाने ये बहुत ही किसी अच्छे स्कूल जाती थी ना लड़ाइयां हो रही है ना इतने कूल बॉयज हैं सारे और गर्ल्स हैं अकेली क्लास में होती होंगी ये मेरा बेस्ट अच्छा यानी निकाल ही देते थे अच्छा आदि कह रहे हैं मतलब ग्रुपिंग टाइप वाली कोई सीन मैंने बोला है कि शायद इसलिए कि जो लाइक दोस्तों पे होती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा होती है ना कि नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है अच्छा ओके नहीं ये मेरा आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम नैना था नैना Okay. आज भी तुम्हारे इंतजार चलो भाई अब देखते हैं कि अगर इसके करीब करीब कोई जवाब है तो वो दिखा दें भाई अगर नहीं है तो क्रॉस लगा दें वरना दिखा दें अगर इसके करीब करीब कोई जवाब है जो गुड आंसर यार नहीं इन्होंने तो खुद बनाया दिल से दिल को राह होती है यार आदि हमारे ट्रॉमा सेम है मतलब हमारे दिल को दिल से राह भाई एक मिनट क्यों रिश्तेदारी मना रहे हो आपने खुद सवाल लिखे आपको तो पता होगा ना यार इसको कहा हमारे मैं जा रहा हूँ मैं किसी को भी हमें खुश होके नहीं आने ऐसे नहीं अगला अगला बताए और क्या हो सकता है और ये हो सकता है कि आई थिंक लंच पे जो उन्होंने बोला लंच पे भी होती होगी खाने पे लड़ाई होती है खाने पे लड़ाई हो रही है अच्छा खाने को मिल भी रहा है लड़ाई हो रही है और एक दूसरे को खाने पे भी लड़ाई हो रही है अच्छा आपको लग रहा है लंच बिल्कुल बासी में लग रहा है सबको लग रहा है यार किस किसने किस किस का लंच खाया है सबको लग रहा है लंच का जवाब बिल्कुल ठीक है ऑप्शन दिखाएं भाई ओके लंच खाना है और ये कितने उम्र तक के बच्चे हैं ये बता दे स्कूल के बच्चे इन बच्चों के भाई नाम शनाख्ती कार्ड नंबर फोन नंबर सब लिखवा को दें नाम नहीं उम्र के यार आपने क्या करने है ना नाम आदि होती है ना सर के वो भाइयों की हो जाती है मेरी बहन को क्यों देखा उस टाइप की भी लड़ाई अब ये लड़के इतने बड़े नहीं हुए ये सब समझ नहीं आ रहा अभी कोई समझ नहीं आ रहा इसलिए पूछ रही थी ये अभी छोटे हैं मेरी फेवरेट ये इनको तीन साल बाद पता लगेगा फिर लड़ेंगे अभी तो ऐसे ही है आपस में आई थिंक मेरी फेवरेट टीचर टाइप सिचुएशन पे भी होती है मेरी फेवरेट टीचर टाइप हाँ कि मतलब ये टीचर मेरी मैं इनकी फेवरेट हूँ या मैं इनका फेवरेट हूँ और ये यू नो ज्यादा अटेंशन उसको क्यों मिल रही है स्कूल आपके जमाने में होते थे क्या हो गया भाई कॉन्सेप्ट हालांकि वसीम भाई पूछ रहा हूँ जी जी होते थे स्कूल कॉन्सेप्ट लाने वालों में से आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां के मैं हेडमास्टर था तो बासी में आपकी लड़ाई किस बात पे होती थी लड़ाई नहीं होती थी आपकी भी लड़ाई नहीं हुई कभी हम अमूमन यार आप लोग अमन कमेटी से आए हो कौन है आप लोग लड़ी नहीं रहे यार हम खानदानी लड़के रास्ता वही था अमन कमेटी वाला रास्ता था बदला अभी नहीं मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूं अच्छा तो आपने कहा कि लाइन पे लाइन लगने पे और पसंदीदा मतलब मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि लाइन पे या ये वाला गेम मैं खेलता हूं या यहां मैं बैठता हूं वहां मैं बैठता हूं बैठने पे भी बहुत होती है ठीक है तो लाइन पे टेबल पे भाई ऐसा कुछ है लाइन में ना अगर कोई जवाब है तो दिखा दें नहीं है तो क्रॉस लगा दें देखें यशमा को कितना पता है पता खोल दे डब्बा इतनी देर में तो बैलेट बॉक्स खुल जाता भाई ये तो खोल दो पसंद है डेस्क पे ठीक है सही है एक रह गया ये भी वैसे बहुत कॉमन है बहुत ऑब्वियस है ये तो करते हैं क्या मुझे ऐसे लग रहा है जो शुरू में उन्होंने बात की थी ना कौन सी के शिकायत करने पे बताने पे तो किसी की शिकायत कर बच्चे डस्टर पे लड़ाई होती है नहीं सही बिल्कुल सही कहा डस्टर पे हां तू लड़े डस्टर पे के ये हमारी क्लास का डस्टर है वापस ले इसको शिकायत करने पे बिल्कुल सही कहा चौक मारने पे एक दूसरे को चौक मार दिए चौक पे चौक पे सही दिए मैंने सुना नहीं रैगिंग की वो कह रहे हैं ये बड़े क्या कह रही है क्या रैगिंग की वजह से हमें तो रैगिंग का पता है वो रैगिंग क्या कह रही है कि वो नहीं होता वो जो मेरी बात सुन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे कौन लड़े मेरे साथ कभी कोई ये गरीब बच्चों का ये सारा मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा है पुल के इस तरफ और आपका स्कूल है उस तरफ हम रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं बताऊं ये यकीनन गरीब बच्चों का स्कूल कोई रंच छीन रहा है कोई पेंशन छीन रहा है लंच डेस्क और रिंगिंग और रैगिंग ये लड़ाई मैट्रिक सिस्टम और ओ लेवल्स की ये वाला चक्कर है मेरा दिल कर रहा है कि किसी तरह वक्त रुक जाए और मैं यशमा को देखता रहूं
पता है क्यों? आधे तो मैंने उस बार वाले देखे नहीं है। तो भाई डी ऑप्शन क्या है वो दिखा दे, देखते हैं किसका जवाब सही साबित हुआ। झूठी शिकायत। ओके यार आप तो बहुत ही लीचड़ हो। क्यों भाई आप शिकायतें लगा रहे हो बच्चों की यार? नहीं मैं कह रहा हूं लगा ही होती है। नहीं वो बता रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं आदि ये उस सीट का मसला है इसका। मेरे साथ बता रहे थे पहले जो आपने था ना यही दिया था उन्होंने। अरे एक मिनट किसी की समझ लग रहा है इलेक्शन ड्रामे हो रहे हैं हमारे, समझ ही आ रही किसी को। चौधरी सर जी वो सीट पे जिसकी सीट पे बैठा ना वो बंदा शिकायत ही करता था। अरे नहीं नहीं उसके बारे में बात नहीं करें, वो अजायलम ले रहा है यार। ये क्या आदमी है यार। खवातीन और जरा मेरा आज सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ अमन अमान से हो जाए। मैं ब्रेक के बाद वापस बल्कि आप चाह रहे हो